क्या अखिलेश के हाथों से फिसल रहे यादव, अखिलेश के इस फैसले पर आलोचक उठा रहे सवाल। अखिलेश के विरोधियों का दावा, अपने ही जाल में फंस गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस लोकसभा सीट पर अखिलेश ने लिया एक बड़ा फैसला, इस फैसले पर कुछ सपाइयों का विरोध। बिगाड़ न दे बना बनाया खेल। २०२४ के लोकसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उस रणनीति पर अमल कर रहे हैं जो अमूमन हर भारतीय के घरों में होता है। जब कभी विशेष आयोजन होता है तो सबसे पहले घरों में बाहर से आए लोगों को अतिथि सत्कार किया जाता है, खान पान की उचित व्यवस्था की जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में इसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोटर जो दशकों से सपा से जुड़े रहे, इस बार अखिलेश इस समाज से आने वाले लोगों को टिकट न देकर पिछड़े समाज में गैर यादवों को टिकट दिल से दे रहे हैं। अब अखिलेश के इसी प्रयास पर एटा में सपाइयों के अंदर विरोध की चिंगारी दिखने लगी। एटा लोकसभा सीट पर नए जातिगत समीकरणों से सपा ने जीत के लिए जो जाल बुना था उसमें खुद ही उलझती नजर आ रही है। टिकट के यादव दावेदारों को दरकिनार कर पार्टी ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य को चुनाव में उतारा है। ऐसे में शाक्य मतदाताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रयास में पार्टी के बेस वोटर यादव फिसलते जा रहे हैं। अब पार्टी उस पायदान पर है जहां से यादव अगर नहीं संभले तो पूरा सियासी समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा। इस सीट पर पूर्व में सपा हमेशा ही यादव समाज के लोगों को टिकट देती रही, यूं तो पार्टी के इस निर्णय पर अन्य वर्ग के लोग उंगलियां भी उठाते रहे, लेकिन यादव बाहुल्य सीट और सपा के यादव प्रेम के आगे सभी तर्क वितर्क पीछे छूट जाते। लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए देवेश शाक्य को टिकट थमा दिया। ऐसा जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई जिसमें शाक्य मतदाताओं को रिझाया जाए। पार्टी का मानना था कि यादव मतदाता उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जबकि शाक्य प्रत्याशी के नाम पर शाक्य मतदाताओं के आने से पलड़ा भारी हो जाएगा। एक तरफ जहां पार्टी के इस फैसले से तमाम स्थानीय नेता शुभ थे, तो प्रत्याशी ने भी आकर पार्टी का इशारा समझते हुए सबसे पहले सजातीय शाक्य मतदाताओं को ही साधने का काम शुरू किया। ऐसे में इस वर्ग के मतदाताओं में बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर यादव छिटकते दिख रहे। कासगंज में देवेंद्र सिंह यादव, एटा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वजीर सिंह यादव सहित कई अन्य यादव नेता और उनके समर्थकों ने सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। लगातार सपा के विरोध और भाजपा के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में यादव मतदाताओं को सहेज कर रखना सपा के लिए बड़ी चुनौती हो गई। दरअसल एटा लोकसभा सीट पर जहां सर्वाधिक मतदाता लोधी समाज के हैं, इसके बाद यादव तो शाक्य भी बहुतायत में हैं। भाजपा सवर्ण लोधी और शाक्य मतदाताओं के समीकरण पर यहां चुनाव लड़ती है, तो सपा यादव मुस्लिम का मेल बिठाती थी। इस बार शाक्य प्रत्याशी को लाकर यादव मुस्लिम और शाक्य समीकरण बनाया गया। सपा जहां शाक्य मतदाताओं की बढ़त अपने पाले में मान रही है, तो भाजपा यादव वोट उनके खेमे में आने का प्रचार कर रही है। किससे फायदा हुआ और किससे नुकसान, ये तो परिणाम ही बताएगा।